रानी बहल सड़क मार्ग पर हरियाणा सीमा में स्विफ्ट कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। बेकाबू कार दीवार में जा घुसी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में झुंझुनू व चूरू के एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 घायल हुए हैं। मृतकों के शव जब उनके गांव पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। 2 मृतकों का अंतिम संस्कार सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के सूजडोला गांव में हुआ, जबकि 1 मृतक का अंतिम संस्कार चूरू के हमीरवास थाना क्षेत्र के सुलखनिया गांव में हुआ था। घटना झुंझुनू बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर हरियाणा के बहल थाना इलाके के नांगल गांव में चेक पोस्ट के पास रात में हादसा हुआ था। हादसे के बाद बहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टायर फटने से कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक खाली मकान की दीवार तोड़ती हुई जा घुसी। कार के छत पर मलबा आ गिरा। आवाज सुन आसपास के लोग बाहर दौड़े। लोगों ने युवकों को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि अपने किसी रिश्तेदार की कार लेकर निकले थे। सभी आपस में रिश्तेदार हैं और दवाई लेकर हिसार से झुंझुनू लौट रहे थे। हादसे में जिले के झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के सूजडोला गांव के संदीप प्रदीप और चूरू के हमीरवास थाना क्षेत्र के सुलखनिया गांव के राकेश की मौत हो गई। सूजडोला गांव का राजकुमार व सुलखनिया के बास निवासी प्रवीण घायल हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक चिकित्सा केंद्र लोहारू में ले जाया गया है। मृतकों में पिलानी के सूजडोला के संदीप और प्रदीप चचेरे भाई हैं। सुलखनिया का बांस निवासी राकेश संदीप की बुआ का बेटा था। घायल प्रवीण मृतक राकेश का सगा भाई और राजकुमार संदीप प्रदीप का चचेरा भाई है। संदीप की 1 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी, जबकि बाकी सभी अविवाहित थे। हादसे के बाद सूजडोला और सुलखनिया का बांस गांवों में शोक की लहर है। हरियाणा के लोहारू थाना के जांच अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि नांगल पेट्रोल पंप के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंचे तो देखा कि कार में 5 लोग थे, इनमें से 1 की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 अन्य की सरकारी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। ये लोग एक ही परिवार के लोग थे। 3 चाचा ताऊ के लड़के थे, 2 बुआ के लड़के थे। मृतकों में राकेश प्रदीप व संदीप हैं। रात को हमें करीब 12:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि नांगल पेट्रोल पंप के पास एक स्विफ्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो इस इतला पर तुरंत मैं मेरे साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंच के देखा तो एक व्यक्ति की जो है ना डेड बॉडी मौके पर ही की मौत हो गई। 2 को वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जिनकी दोनों की उनकी भी बाद में मृत्यु हो गई।